भारतीय सैनिकों के लिए कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री से शानदार खबर सामने आई है, क्योंकि पुलिस को मिलेगा घातक हथियार और सेना को भी मिलेगा घातक हथियार। दोनों मिलकर करेंगे आतंकवाद का खात्मा और खूंखार आतंकी हो जाएंगे ढेर। वो कैसे, हम ये सारी बात आपको बताएंगे विस्तार से। कुछ माह पहले स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ऑफ कानपुर यानी कि SAF में CQB कार्बाइन तैयार किया गया था। कुल 4 चरणों में इस कार्बाइन के परीक्षण की योजना तैयार की गई थी। अब तक के 3 चरणों में इसका परीक्षण सफल भी रहा है। आइए अब जानते हैं कि इसका वजन कितना है और साथ ही SAF के कार्यकारी निदेशक ने क्या कहा है। तो आपको बता दें कि SAF के कार्यकारी निदेशक राजीव शर्मा ने बातचीत में बताया कि अभी तक 5.56 गुना 45 मिमी कैलिबर में मशीन गन समेत अन्य हथियार मौजूद थे। अब पहली बार CQB कार्बाइन बनाई गई है। सेना को इस तरह के कुल 4 लाख से अधिक कार्बाइन चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ऑर्डर हमें ही मिलेगा। अभी करीब 20 कार्बाइन तैयार हुई है। सेना के अलावा कई राज्यों की पुलिस भी हमसे कार्बाइन मांग रही है, उनके लिए भी नियमानुसार इसे मुहैया कराया जाएगा। तो ऐसी क्या खासियत है CQB कार्बाइन में, आइए जानते हैं। मध्यम श्रेणी का हथियार क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन SAF में बनकर तैयार है। -20 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस पर इसका किया गया सफल परीक्षण। सेना और अर्धसैनिक बलों समेत राज्यों की पुलिस को ये पसंद आई। 5.56 गुना 45 मिमी कार्बाइन की लंबाई है 790 मिमी, 200 मीटर है इसकी मारक क्षमता। साथ ही कार्बाइन से 700 राउंड प्रति मिनट फायर करना सक्षम भी है। कार्बाइन का वजन 3 किलोग्राम, मैगजीन में 30 राउंड की क्षमता है। डिजाइन मॉड्यूलर और कॉम्पैक्ट, सिंगल और ऑटो मोड में फायर हो सकता है। टिकाऊ बनाने के लिए क्रोमियम प्लेटेड बैरल का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही बट को सुविधा अनुसार फिक्स रखने के साथ फोल्ड करके भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। आइए अब जानते हैं इस क्रम में कि कौन सी खासियत इसे बनाती है और भी अचूक। तो बता दें आपको कि इसको लेकर राजीव शर्मा कार्यकारी निदेशक लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर ने बताया कि CQB कार्बाइन नई पीढ़ी का मध्यम श्रेणी का हथियार है। इसका सफल परीक्षण -20 से 45 डिग्री सेल्सियस पर किया गया है। यह कार्बाइन सेना सुरक्षा बलों के साथ विभिन्न राज्यों की पुलिस को भी काफी पसंद आई है। सेना की मांग पर जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अब केवल टेस्टिंग का एक पड़ाव बाकी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मद्देनजर अगले साल से ये भारतीय सेना की ताकत बढ़ा सकती है। सैनिक इस स्वदेशी कार्बाइन से दुश्मनों को ढेर कर देंगे।